देश भर में कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है, परंतु अब ब्लैक फंगस का खतरा और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से राज्यों द्वारा ब्लैक फंगस को एक महामारी भी घोषित कर दिया गया है। इसी परेशानी के साथ साथ ब्लैक फंगस में इलाजगार दवाई की भी कमी देश के कोने कोने में देखी जा रही है। आपको बता दें कि दवाई की शॉर्टेज के चलते मुंबई हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार की फटकार लगाई गई है। सूत्रों के अनुसार मुंबई की औरंगाबाद बेंच को कहा गया था कि ब्लैक फंगस पर सुनवाई मुंबई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच कर रही है, इस वजह से सुनवाई को टाल दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा औरंगाबाद बेंच ने नहीं किया और सुनवाई को पूरा किया। जानकारी के अनुसार कोर्ट की तरफ से ब्लैक फंगस के सारे डाटा मांगे गए थे और साथ ही साथ दवाई की शॉर्टेज के चलते हो रही मौतों पर भी चिंता जताई गई थी। इसी पर केंद्र द्वारा कोर्ट से थोड़े वक्त का समय भी मांगा गया है। आपको बता दें कि केंद्र के समय मांगने पर कोर्ट द्वारा सख्त लहजे में कहा गया था कि वह अब इन सब बातों से थक चुके हैं। इसी के चलते अदालत द्वारा केंद्र को 16 जून तक का समय भी दिया गया है। बता दें कि सुनवाई में आगे केंद्र को सवालों के जवाब भी देने होंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।